हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एजुकेशन पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीड टेक्नोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम न्यू डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द न्यू पॉलिसी ऑफ सीड डेवलपमेंट NPSD नीति कब बनाई गई? ये बनाई गई थी 1988 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला। संसार में सर्वप्रथम संकर बीज उत्पादन किसने किया था? 1909 में किया था सल ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, ब्रीडर सीड किसकी संतति है? ये नाभिक बीज की संतति है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भिंडी में नए बीज के उत्पादन के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होती है? 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, नई पौधों की किस्म के संरक्षण के लिए संघ का मुख्यालय है? ये स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गेहूं के आधार बीज के उत्पादन के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होती है? ये 3 मीटर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कपास के प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए अलग अलग दूरी की आवश्यकता होती है? 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, गहरी परत में इसकी उपस्थिति के कारण प्रसुप्ति कहलाती है? ये कहलाती है प्रमोदित प्रसुप्ति। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सोयाबीन के प्रमाणीकरण के लिए भौतिक शुद्धता होती है? ये 97% होती है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, बीज जो सीमित मात्रा में एक उन्नत किस्म के प्रारंभिक बीज होते हैं किस रूप में जाने जाते हैं? ये न्यूजीएस बीज के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, बीज की एक विशेष मात्रा को कहते हैं, ये सीड कोट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा, एक बीजपत्री बीज के बीज पत्र को क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं स्कैटिलम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, आधे से अधिक टूटे हुए बीज को किसके अंतर्गत रखा जाता है? प्योर सीड के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा, किस नमूने पर सभी गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है? ये वर्किंग सैंपल पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ऐसे बीज जो कम तापमान एवं नमी पर लंबे समय तक जीवित रहते हैं क्या कहलाते हैं? ऑर्थोडॉक्स बीज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, अंकुरण में बीज पत्र बाहर निकल आते हैं, ये ऊपरी भूमि निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा, सीड कंट्रोल ऑर्डर ये कब पारित हुआ था? ये 1983 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये फसल है और जो फसल की जो सर्वप्रथम संकर किस्म है उसे जानेंगे आज हम। मक्का, मक्का की गंगा वन है, और ज्वार की CSH1, बाजरा की है HB1, और सूर्यमुखी की है BSH1, और जो अरहर की है ICPS8, और धान की है विश्व में TN1, और भारत में है APRH1, और सरसों की किस्म है पूसा जय किसान संकर किस्म, और उड़द की है Type 9, मूंग की है Type 1। ये संकर किस्म है कुछ, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज भंडारण के समय नमी होनी चाहिए, अनाज में नमी होनी चाहिए 10-13% अनाज में नमी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, बोरों में नमूना लेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये परखी का प्रयोग किया जाता है, ट्रायल। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कंकड़ी बंजरी परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? कंकड़ी ये हिल्टनर नाप परीक्षण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, श्वसन मापी का प्रयोग किसने किया था? ये बारवर्ग ने किया था, बारवर्ग ने। जो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, वास्तविक मान का शुद्ध जो फार्मूला है, शुद्धता परसेंटेज और अंकुरण परसेंटेज बटे 100। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा, राष्ट्रीय किस आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1976 में हुई थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, बीज अधिनियम आदेश कब जारी किया गया? बीज अधिनियम आदेश है जो 1983 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा,
मानक बीज का पता लगाते हैं, मानक बीज का जो पता लगाते हैं यू प्योरिटी वर्ग बोर्ड से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, थ्रेसिंग से निकलते टूटते कटे फटे बीज या दाने को कहा जाता है, उसे डोकस कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की अति ज़्यादा संभावना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो को आपको दोस्तों को भी लाभ मिल पाए। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपनी जैसी अंकुरित होने होकर अपने पैतृक की भांत पौधे तैयार करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोटोपोटेंसी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्योरिटी का जो फार्मूला होता है वो प्योरिटी फार्मूला, वेट ऑफ प्योर सीड बटे टोटल वेट ऑफ वर्किंग सैंपल इंटू 100। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नॉन लिविंग जो इसमें आते हैं, नॉन लिविंग में आते हैं स्ट्रो डस्ट डॉकेज, तीन आते हैं। लिविंग इम्प्योरिटी है ये वीड सीड, अदर वैरायटी सीड और अदर क्रॉप सीड आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड सीड, स्टैंडर्ड सीड में जर्मिनेशन मानक के अनुरूप हो। दो है, मानक बीजों का उत्पादन करना। नंबर तीन है, उपभोक्ताओं को मानक बीज उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक कोशिका से ढेरों कोशिकाओं को तैयार करना कहलाता है, एक कोशिका से ढेरों कोशिकाओं को तैयार करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मृदा रोग जनकों से बीज के कवच के लिए रासायनिक आवरण कहलाता है, सीड प्रोटेक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, जीवित रहने बढ़ने की जीवन क्षमता कहलाती है, ये कहलाती है बायबल्टी। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, किसी प्रजात का किस्म के निर्धारण हेतु किए जाने का वाला परीक्षण कहलाता है, ये ग्रो आउट टेस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा, बीज प्रमाणीकरण तथा विवरण के लिए निर्धारित आवश्यक कसौटियाँ कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड सीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा, बीजों की गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीड सर्टिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता के स्रोत से बीज फसल को पृथक रखने का कार्य करते हैं, कार्य कहलाता है, ये आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, ये नंबर एक है, अच्छे बीज से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। नंबर दो है, रोगग्रस्त बीजों का उत्पादन करना। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।